नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित पांडे, श्रीट करियर गाइडेंस की तरफ से आज मैं फिर से एक वही टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी वीडियो भी कुछ दिन पहले ही पब्लिश करी गई थी। क्या स्टडी अब्रॉड मतलब MBBS के अब्रॉड से पॉसिबल है बिना नीट के? तो मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज अब आ चुकी है जिसमें ये बोला गया है कि MBBS अब्रॉड से वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने नीट के लिए फॉर्म फिल ही नहीं किया था, और जिन लोगों ने फिल किया था वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। MCI एक्ट 1956 के तहत जो स्टूडेंट इंडिया के बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं उनको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो MCI प्रोवाइड कराएगी, और जिन लोगों ने अपना MBBS प्रोग्राम खत्म कर लिया है और वो चाहते हैं कि स्टेट मेडिकल काउंसिल और MCI के थ्रू परमानेंट या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उनको FMG क्रॉस करना बहुत जरूरी है। आप ये सब सोच रहे होंगे कि इतना सब क्यों किया जा रहा है। इसका एक्चुअली जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन लेती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जब इंडिया में आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते तो FMG एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो अब जो हम लोगों का प्रोसेस है, जो मेडिकल काउंसिल्स है उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि FMG क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में देखा वन टाइम एक्सेप्शन के बारे में। तो वन टाइम एक्सेप्शन क्या है? तो वन टाइम एक्सेप्शन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नीट का फॉर्म नहीं भरा, और जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा और वो अपीयर नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, तो उनके लिए वन टाइम एक्सेप्शन काउंट नहीं होगा। वन टाइम एक्सेप्शन में MCI आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट CBSE से वेरीफाई होगा कि आपने फॉर्म भरा था कि नहीं। अगर स्टूडेंट बोलता है कि उसने नीट का फॉर्म नहीं भराया और CBSE के प्रोसिक्यूशन में अगर स्पीच में वेरिफिकेशन चल रहा होता है तो उसको पता चलता है कि आपने फॉर्म भरा है, तो आपके अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल कर दिया जाएगा जिससे आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो इसको वन टाइम एक्सेप्शन नाम ही दे दिया गया है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल बात करना चाहूंगा कि अगर आपने नीट का फॉर्म नहीं भरा है और अगर आपने अपना नीट का फॉर्म भरा है और आप क्लियर कर ले गए तो आप इंतजार मत करिए। श्रीट करियर गाइडेंस आज की डेट में ना जाने कितने स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने भेजी, और उनका एक ही टारगेट है, हम लोगों का एक ही टारगेट है कि स्टूडेंट को एक बेहतर करियर दिया जाए। हम लोग सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स में गिने जाते हैं, ना जाने कितने न्यूज पेपर से लेके न्यूज चैनल से हम लोग का नाम आया है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बैठा है कि यार मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा मैं कैसे कर पाऊंगा, यार मुझको समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, तो यहां पे एक से एक करियर काउंसलर बैठे हुए हैं जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कैसे इसको प्रोवाइड करना है। फिर जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं 0 से लेके 1 तक आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। आपके कॉलेज के एडमिशन से लेके आपके खाने पीने तक का ध्यान इसी करियर गाइडेंस रखता है। तो किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? जितना जल्दी हो सके हम लोगों से कॉन्टैक्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो अंत तक देखी।